Good morning to one and all. Just I am sharing the screen. Yesterday we discussed about the atomic absorption spectroscopy. We have seen talk about the principle of that particular spectroscopy, and in the principle we have seen that that principle is totally based on the Beer-Lambert's law. Then we turn to the that particular instrumentation part. And in the instrumentation part, you can see there should be the hollow cathode lamp. Okay, that is nothing but it is called a source of radiation. Okay, instead of hollow cathode lamp, some can use the that particular that hollow cathode lamp is very much important as far as the that particular analysis or say estimation of that particular sample is concerned. Okay, that we have discussed in detail yesterday. Each element present in the sample absorbs the characteristic radiation of their own, hence separate lamp source is required for the each element. And the most commonly used that particular light source of light is hollow cathode lamp. It consists of the hollow cylindrical cathode cup that I shown yesterday in the diagram. This is the hollow cathode lamp. Okay, this is the cup shape that particular hollow cathode lamp is there. जैसे मेटल अलग अलग रहेगा उसके लिए वो कैप जो है जो कफ है वो अलग अलग रहेगा. द कैथोड इज प्रोटेक्टेड इन द ग्लास शील्ड. इट कंसिस्ट ऑफ द टंगस्टन वायर विच एक्ट एज एनोड एंड द टू इलेक्ट्रोड्स आर इनक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब कंटेनिंग द इनर्ट गैस लाइक द आर्गन और सिलिकॉन एट लो प्रेशर. जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं व्हेन द हाई पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड द इनर्ट गैस इज आयनाइज्ड. द पॉजिटिव आयंस कोलाइड विद द कैथोड एंड रिमूव मेटल एटम्स फ्रॉम द सरफेस बाय स्पुटरिंग प्रोसेस. दिस मेटल एटम्स नाउ कोलाइड विद हाईली एनर्जेटिक गैस आयंस एंड गेट एक्साइटेड. दिस एक्साइटेड मेटल एटम्स इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन. दिस इमिटेड रेडिएशन अपीयर एज अ ब्राइट इन द हॉलो कैथोड कप. नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रोटेटिंग चॉपर. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज रोटेटिंग चॉपर. अभी यहाँ से बहुत सारे रेडिएशन आएंगे मगर इसमें क्या होगा, ये क्या करने वाला है रोटेटिंग चॉपर, क्या काम करता है रोटेटिंग चॉपर, मतलब वो घूमते रहेगा, आधे पार्ट में वो ट्रांसमिट करेगा और आधे पार्ट में वो वहां पे रोकेगा रेडिएशन को, समझा. उसके बाद में ये बर्नर है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर है, फोटोसेल है, एम्पलीफायर है एंड रेडोमीटर है. जैसे फ्लेम फोटोमीटर में था वैसे इधर है एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में. अभी रोटेटिंग that chopper a chopper is a rotating mirror of such a shape that it permits the beam of to pass through during one half of its period of rotation. जैसे मैंने बताया कि आधे पार्ट में क्या करेगा वो पास करेगा लाइट को और आधे इसमें रोकेगा. During the other half, beam is reflected not allowed to pass. The result is that the intermittent or pulsating current beam is obtained. Such a beam produces alternating current in the PM10. The radiation from the flame is continuous and produces direct current in the photo tube which is not amplified. The amplifier is turned to amplify the alternating current coming from the chopper. Okay. पल्सेटिंग करंट और उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. देन फ्लेम एटोमाइजर बर्नर है. बर्नर जैसे लास्ट टाइम देखा था वहां पे बर्नर में आपको चाहिए फ्लेम के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट. ओके, देन प्रीमिक्स और लैमिनार टाइप बर्नर और से टोटल कंजम्पशन बर्नर जो है वो जनरली यूज किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अनादर पर्टिकुलर दैट बर्नर और से अनादर वे यू कैन यूज फॉर द एटोमाइजेशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर. इट इज अ नॉन फ्लेम टेक्निक. जो दोनों देखे थे वो फ्लेम टेक्निक थे, ये नॉन फ्लेम टेक्निक है. इन दैट इलेक्ट्रिकली हीटेड ग्राफाइट ट्यूब्स और रॉड्स आर समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ द हाई टेम्परेचर फ्लेम टू प्रोड्यूस द आयंस और एटम्स और उसे ग्राफाइट फर्नेस कहते हैं. इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर और ग्राफाइट फर्नेस, कल मैंने एक्सप्लेन किया था. मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ को वो क्या करता है पास करता है. फोटोट्यूब, फोटोट्यूब पीएमटी में क्या होने वाला है कि जब जो कोई बीम आएगा मोनोक्रोमेटर से वो फोटो कैथोड को जाता है और उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिक करंट में होता है. फिर बाद में एम्पलीफायर के पास जाता है, उसको एम्पलीफायर किया जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाई जाती है, फिर रीड आउट मीटर पे आपको रीड किया जाता है. मेथड्स ऑफ क्वांटिफिकेशन इन एफईएस एंड एएस. अब ये दोनों में क्वांटिफिकेशन कैसा करेंगे ना, जैसे कि अभी हमने दोनों तरफ देखा कि हम इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं. यहाँ पे एब्जॉर्बेंस था, ट्रांसमिटेंस था इन एएस, और एफईएस में हमने देखा कि इंटेंसिटी थी ना, बराबर है ना. तो ये इसको कॉन्सेंट्रेशन से कैसे कंपेयर करेंगे, तो आपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया होगा एसवाई में, तब आपने क्या किया था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस का प्लॉट प्लॉट किया था, राइट. मतलब हम क्या करते हैं पहले स्टैंडर्ड बना के लेते
और उसका पहले एब्जॉर्बेंस स्टडी करते, बाद में हम सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं और उसका एब्जॉर्बेंस देखते हैं। फिर जिस लाइन पे जिस जहाँ पॉइंट आता है वहां से आप लाइन प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे, और फिर बता दे कि ये पॉइंट को कंसर्न करने वाला इसका कॉन्सेंट्रेशन है। सेम है, इसे कहा जाता है कैलिब्रेशन कर्व मेथड। कैलिब्रेशन कर्व मतलब क्या है कि नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, चार पांच सॉल्यूशन आप बनाते हैं बराबर है, दैट इज इन द रेंज ऑफ द 1 ppm, 1 ppm मींस 1 mg पर डीएम, 10 ppm मींस 10 mg पर डीएम क्यूब, डिस्टिल डीएनए इज वाटर। Is sprayed into the flame and readout meter is adjusted to zero. Absorbance that is 100% transmittance or emission intensity. You see emission intensity भी कहा जाता है. And see what I said कि हमने देखा होगा कि उसको calibration curve हम बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? तो हमें एक पहले पता है कि 0.2, 0.4, 0.6 like that. एक example बता रहा हूँ मैं. ऐसे हम known concentration के solution बनाते हैं. बराबर है? फिर हम बार-बार क्या करते हैं? उसको adjust करने के लिए, वो wavelength adjust करने के लिए हम क्या करते हैं? Blank solution use करते हैं. मतलब जिससे solution बनाया रहता है, उससे अब क्या करते हैं? कि हम लोग वाटर रहेगा, अभी वाटर से जनरली हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वाटर को हम बार बार क्या करते हैं? उधर एडजस्ट करते हैं एब्जॉर्बेंस, बराबर है? तो यहाँ पे फ्लेम को क्या करना है? डीआयनाइज वाटर से स्प्रे करना है। और ये फ्लेम फोटोमेट्री अपने लैब में अवेलेबल है, अभी जैसे कि कॉलेज चालू होगा तब एमएससी में इसका प्रैक्टिकल भी है, तो हम अभी इसका आपका टीवाई का एनालिटिकल में भी इसका प्रैक्टिकल है आयन में, तो हम वो करेंगे जरूर। Then before each solution is sprayed into the flame, distilled water is introduced into the flame to remove traces of the solution aspirated into the flame and to adjust zero absorbance, 100% transmittance. Zero absorbance रहता है तब क्या रहता है? 100% transmittance ध्यान में रखना है। The absorbance values, these absorbance values are plotted against the concentration of metal in the various standard solution. This graph is known as the calibration curve, and from this curve, concentration of the unknown solution can be easily determined. एक जो है सिंपली बताया मैंने कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाएगा, और जब आपका अननोन है, दैट इज अ सीएक्स इज फॉर द अननोन वन। ये जनरली दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अभी स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन ऑफ अननोन इज फर्स्ट डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ब्लाइंक, अ सीरीज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग डिफाइंड अमाउंट ऑफ अननोन सॉल्यूशन एंड द वेरिंग अमाउंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर इंट्रोड्यूस्ड वन बाय वन इन टू द फ्लेम एंड देयर एब्जॉर्बेंस वैल्यूज आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द ब्लाइंक। ए ग्राफ ऑफ एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस, दिस गिव्स स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज एक्स्ट्रा प्लॉटेड extrapolated to intersect the concentration axis. ये जो है वो ग्राफ है, मैं बताता हूं आपको। डोंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन means point at which the line cuts the concentration axis gives the concentration of the unknown solution. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपका ग्राफ आया क्या है, ये स्टैंडर्ड में आपने अननोन डाला था बराबर है, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कहाँ तक करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस को टच करने तक में, और ये जो यहाँ पे टच करेगा वो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अननोन। वैसे इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड, एंड इंटरनल स्टैंडर्ड इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड इन अ फिक्स अमाउंट टू ऑल द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ब्लैंक एंड द सैंपल। सब में क्या करना है कि एक सब्सटेंस डालना है फिक्स अमाउंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्टैंडर्ड। द केमिकल नेचर ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज बीइंग एस्टिमेटेड, इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द सैंपल मैट्रिक्स। ओके जैसे कि एफी एंड स्टील, अभी आपको पता है आयरन अभी है, स्टील का सैंपल लिया तो उसमें आयरन रहने वाला है, समझा। द सीरीज ऑफ द सॉल्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम एंड सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ ईच सॉल्यूशन इज रिकॉर्डेड, अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन
But containing the same amount of internal stranded is introduced into the flame and the signal intensity is recorded. The ratio of the intensities of unknown concentration to that of the internal standards are measured. Okay, these ratios are plotted against the concentration of standard solution which gives the linear graph. Kya karna hai? Ki aapko ratio of the intensities of the unknown concentration to that of the internal standard is measured. Abhi ye kya hai? AI upon AA upon AI. Aisal mein unknown divided by internal standard. Barabar hai? These ratios are plotted against the concentration of the standard solution which gives the linear graph. From this graph, unknown concentration can be obtained by finding where the ratio in this case fall on the graph. Yeah, aise extrapolate karenge aur phir aap aapko pata chalega. Jaise ki unknown ke liye kya karna hai pata hai aapko? A upon AI matlab kya karna hai? Unknown concentration ka jo intensity hai usko divide kisse karna hai? Internal standard ke intensity se. Intensity ya aap usko absorbance bol sakte hai. Aise samajh mein? Emission intensities or you can call it as a absorbance. If flame rahega to emission rahega, emission intensity rahega. Aur atomic absorption spectroscopy rahega to kya rahega? Absorbance rahega. Don't confuse in between that. Okay. This is the internal standard method. X substrate add किया जाता है और बाद में उसका ये किया जाता है. Now the comparison of FES and AIS. FES में क्या होता है कि when an element is introduced in the flame, few atoms absorb the thermal energy of the flame and get excited. These excited atoms emits the high that emits the light and return to the ground state. The intensity of emitted light is measured. Intensity of emitted light is measured. Here absorption of light is measured. When an element is introduced into the flame, most of the atoms remains in the ground state. Mean, these atoms absorb the characteristic wavelength. I understand the difference. What is the major difference in between these two techniques? In the flame photometry, you can say these elements are introduced in the flame, and at that time, due to the flame, they will absorb the thermal energy of the flame and get excited. And when they will come from the excitation to the ground state, at that time they will emit the radiation or say light. Got that point? And their intensity will be measured. Okay, in case of the absorb AS, what will happen in the AS when you introduce the sample? And the condition is that most of the atoms should be in the ground state, and that left, whatever the atom left in the ground state, they will able to absorb the characteristic wavelength, and they will emit or they will absorb whatever the absorption is there, that will be the measure. If it depends upon the emission of the light by the excited atom, here AS depends upon the absorption of radiation by the atoms in the ground state. If it is less sensitive than the AS, AS is more sensitive than the FES. The number of excited atoms is depending on the temperature, hence the emission intensity also dependent on the temperature. Here it is independent on the flame temperature. Here Lambert's law is not applicable, and Beer's number law obeyed over a range of concentration, hence absorbance is directly proportional to the concentration of atoms. Okay, the spectral interference in FES is higher than that particular AS. Yahan pe interference zyada rehta hai aur yahan pe interference less rehta hai. Application of APS, it is useful in the determination of alkali, alkaline and earth metal, because methods of determining these metals in trace by other methods are not easy and in some cases are not available, example sodium, potassium and calcium. It is used in study of the electrolyte balance in the physiology and in the clinical analysis. Aapko pata hai APS ka use physiology mein hota hai for to check the electrolyte balance. Matlab electrolyte balance matlab kya? Aap biology aapka subject tha, okay, सोडियम पोटेशियम लेवल मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए एपीएस का यूज किया जाता है. आल्सो यूज इन डिटरमिनेशन ऑफ लेड इन द पेट्रोल. इट इज इन द स्टडी ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन. देन इट इज आल्सो यूज इन डिटेक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड एफिन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड टिश्यूज. इट इज रूटीनली यूज इन डिटरमिनेशन ऑफ पोटेशियम. दिस सो मेनी डिफरेंट अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयर इन द सॉइल सैंपल, रॉक सैंपल, वाटर, ग्लास, ओर्स, अलॉयस, सीमेंट एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स. मेटलर्जिकल
मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स ओके, जो कुछ भी आपके अलॉयज रहते हैं या मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसका एनालिसिस किया जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ एएस, इट इज इन डिटरमिनेशन अबाउट द 70 एलिमेंट्स ओके, इट इज यूजफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ द मच लोअर कॉन्सेंट्रेशन, 1 ppm से भी कम कॉन्सेंट्रेशन आप उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज यूज टू डिटेक्ट टॉक्सिक मेटल्स लाइक द कॉपर, निकेल, जिंक, मर्क्यूरी एक्सेट्रा इन द फूड प्रोडक्ट्स। इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट ट्रेस मेटल्स इन द क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल। इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट सोडियम एंड पोटेशियम इन द ब्लड सीरम। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन एंड एस्टिमेट लेड इन द पेट्रोल, ये भी यूज किया जाता है ओके। दोनों भी सेम ही है। देन इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मर्क्यूरी ट्रेस इन फूड सैंपल्स एंड इन केस ऑफ द मर्क्यूरी poisoning. These are the certain applications. Then limitations of the FES, this gives the total metal contents in the sample but does not give any information about the molecular condition of the metal in the sample, and this method can't be used for detection of all metals, generally group 1 and group 2 elements. Only liquid samples can be introduced into the flame, hence all the samples should be converted into the solution form. If two elements emit the same wavelength range, then the emission intensity recorded is due to the both the elements, and this interference can be avoided by removing the interfering element. For most of the element, the emission intensity increases with the flame temperature, but element with the low potential ionize at high flame temperature. This ionization reduces emission intensity and leads to incorrect estimation. Hence, for easily ionizable elements, moderate flame temperatures are used. Now, limitations of AS. A separate lamp is required for the analysis of each element. This has been overcome by using multi-element hollow cathode lamp, but these lamps are costly. Elements such as lithium, potassium, sodium and potassium ionize easily within a flame. This ionization can be prevented by using low temperature fluid. This ionization weakens the absorption of light by metal atoms, leading to incorrect image. Metal likes this lanthanum, aluminium, okay, titanium, tungsten, molybdenum, vanadium and silicon are not ionized using AS because they form very stable oxides in the flame, and this oxide can be dissolved using the nitrous oxide acetylene flame. If two elements in the sample absorb at the same wavelength, their simultaneous analysis becomes difficult. Mn and gallium is there. Okay, this interference can be avoided removing the interfering agent. The role of solvent is important in AS. Element in aqueous solutions are more difficult to atomize as compared to element in non-aqueous solution. Hence, absorbance reading is less in aqueous medium, which lowers the accuracy of estimation. Okay, these are the limitations of this particular FES and AS. Remaining part we'll see in the next lecture. Better, sir.